कहाँ फैटी है? देखो तुम फिट है, ये देखो बहुत फैटी है। तुमसे तो फिटी है तुम्हारे अब्बा। तो आज भी हम थोड़ा हॉस्टल स्टाइल खाना बनाने वाले हैं और हम ही दस्ते के अंदर ये मसाला हमने गरम मसाला तैयार किया। बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो वो एक स्वाद अलग आता है इसके अंदर। तो अभी हम भून रहे हैं धीरे धीरे, अभी हमने इसको गलाने के लिए इसके अंदर कल्ले निकले हुए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये पेड़ हम लोग सोच रहे थे मर गया। दोस्तों सलाम नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दो तीन दिन के गैप के बाद आज के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करते हैं। कुछ कामों में ऐसा हम लोग फंस गए और थोड़ा मुझे शाहजहांपुर भी जाना पड़ा और इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया। तो आज नगमा से मैंने कहा कि यार मैं बनाऊंगा गोश्त शाम के लिए अवतार के लिए, तो आज मैं खाना बना रहा हूँ। मतलब खाना क्या है, मतलब गोश्त मैं बना रहा हूँ, बाकी चीजें नगमा बनाने वाली है। तो अभी मैं प्याज काट रहा हूँ, तो प्याज लगभग कट चुकी है और थोड़ी देर में हम गोश्त बनाएंगे। तो बनाने का तरीका हम बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको, बस बता ये रहे कि आज मैं खाना बना रहा हूँ, बस और कोई ऐसी बात नहीं है। खाना मैं बना रहा हूँ आज, इतनी सी बात बतानी थी इसलिए ब्लॉग में दिखाया है। मैंने प्याज कितना जबरदस्त काटा हुआ है, बारीक बारीक, तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा जाके। थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा है। तो आज भी हम थोड़ा हॉस्टल स्टाइल खाना बनाने वाले हैं और हम ही दस्ते के अंदर ये मसाला हमने गरम मसाला तैयार कर लिया है। इसको हल्का से हम क्रश कर लेंगे इसके अंदर हम ही दस्ते से, और बाकी ये लहसुन और अदरक का प्याज पेस्ट जो होता है उसको बाद में डालेंगे। हम पहले मसाला ये डाल के भूनेंगे। आज एकदम अलग टेस्ट न मिले तब कहना। आज मेरी छुट्टी है किचन से और हम जा रहे हैं बढ़िया सा कुरान पढ़ने के लिए। आज मेरी बिल्कुल छुट्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इन्होंने हमें छुट्टी पे दे दिया है, तो अभी ये खाना बनाएंगे और हम पढ़ेंगे कुरान आराम से बैठ के। अभी जो मसाला हमने कूटा था हमें रिश्ते में, तो उसको हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हम फ्राई कर लेंगे मसाले को, फिर हम इसके अंदर गोश्त को डालेंगे, फिर अच्छे से गोश्त को भूनेंगे। तो हमने बिल्कुल मिक्सर का यूज नहीं किया है और बस मसाला इसके अंदर हमने कूटा है और इसको हमने ऐसे कद्दूकश कर लेंगे ताकि मसाले का जो मेन स्वाद होता है ना वो बिगड़े ना। इससे मशीन में क्या होता है, मसाला हीट हो जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो अभी थोड़ा सा पुराना स्टाइल ही यूज कर रहे हैं, ज्यादा हम नया स्टाइल में नहीं जा रहे। हालांकि कायदे से तो उसको सिल पर पीसना चाहिए था, तो ये और जबरदस्त बन के आता है, सामने निकल के आता है। अभी देखिए कितना मस्त बनेगा। मैं भी अब्बा की थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे कुकिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये अभी गोश्त को तोड़ रहे, क्योंकि फ्रिज में रख के हम लोग बनाते हैं, तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मसाला हमने कूटा था ना उसमें काली मिर्च और सारे मसाले थे गरम मसाले, तो उसको मैंने पहले भूना है। उसके बाद जो लहसुन अदरक का जो क्रश करके हमने रखा था, फिर उसको मतलब 10 मिनट के बाद डाला है। तो इससे क्या होता है कि जो मसाला होता है पहले हमारा भुन जाता है, और जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो जल्दी भुन जाता है, मतलब वो क्योंकि वो हल्का से गीला होता है मसाला, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है। बाकी मसाले सूखे होते हैं इसलिए थोड़ा सा उसको भूनने में टाइम लगता है। तो उसको पहले भून लिया, फिर बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, तो वो एक स्वाद अलग आता है इसके अंदर। तो अभी हम भून रहे हैं धीरे धीरे, अभी हमने इसको गलाने के लिए बिल्कुल कुकर बंद नहीं किया, पहले इसको भून लेंगे अच्छे से फिर इसको गलाएंगे। तो अभी सारी चीजें एकदम इकट्ठा हो चुकी है और अब हम लोगों को पहले इसमें स्टेप क्या करना है, ये जो ओरियो है इनको थोड़ा सा जो है मुझे कूट लेना है, फिर जो है इसको मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। तो इधर भैया हमारा गोश्त तैयार हो रहा है और इधर शेक बनने के लिए अबान परेशान है, कह रहे हम बनाएंगे, अम्मा कह रही हम बनाएंगे। तो देखते हैं कौन बनाता है शेक, जब पियेंगे तब पता चलेगा कि कैसा बना है। अभी तो अबान जैसा बता रहे हैं वैसे बनेगा।
अभी ऐसे बनके तैयार हो चुका है और अभी इसे लगा देंगे फ्रिज में ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। आइस बर्फ नहीं डालेंगे इसके अंदर क्योंकि एकदम से ठंडा ठंडा पीना अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद फिर ये इसके अंदर चॉकलेट वगैरह जो है वो हम बाद में भी डालेंगे। तो भाई गोश्त अभी गल रहा है और उसके साथ साथ मैंने चढ़ा दिया है चावल, और चावल भी साथ साथ बन के तैयार हो जाएगा तो खाना कम्प्लीट हो जाएगा। बस रोटी नगमा को बनानी होगी, बाकी चीजें मैंने बना दी है। तो भाई गोश्त बन के तैयार हो चुका है, अब इसको हम बंद कर देंगे, ढक देंगे इसको। तो भाई अवान का शेक तैयार है और इंतजार है रोजा अफ्तार का। क्यों अवान, एक्साइटेड हो? अगर नहीं अच्छी बनी होगी तो सोचो क्या हाल होगा। अवान की बेशर्मी देखो जरा। हाँ, और ये निक्कर पहन के घूम रहे हैं आजकल, ये बड़ा शौक लग रहा है इनको निक्कर पहन के घूमने का। और टीम यहाँ पे आ चुकी है, इनका दही इनको मिल चुका है, दही बहुत शौक से खाती है। समझाया था कि पहन ले तो टोपी लगा लेते, अम्मा इनकी डांट रही है इनको, लगता है रोजा हो तुम। और हमारा ये अफ्तार लग चुका है, अफ्तार क्या खाना ही है आज। और गोश्त मैंने बनाया, चावल मैंने बनाया। क्या हो गया ये, अब कट कहूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कट नहीं, ये सब देखेंगे तुम्हारा। तुम मैं आपको एक बात बताए, अब्बा मेरे बहुत ज्यादा फैटी हैं और जो है खूब खाते हैं वो। कहाँ फैटी हैं देखो, एकदम फिट है, ये देखो बहुत फैटी है। तुमसे तुमसे तो फिटी है तुम्हारे अब्बा, पता है आपको ये पेट अंदर की है गाइस। नहीं देखो, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं गाइस एकदम। तो चलो भाई अब दुआ मांगते हैं और थोड़ी देर में अफ्तार शुरू हो जाएगा। तो भाई आ गए हैं ऊपर पानी वानी डालने के लिए, और रात में ही टाइम मिलता है क्योंकि दिन में इतना धूप रहती है इसलिए ऊपर नहीं आना हो पाता है। और ये पाम ट्री हम लोगों ने जीने से हटा के यहाँ पे रखा है क्योंकि थोड़ा धुल्ला उल्ला भी होता है इनको, और महीने में एक बार धूप भी दिखानी होती है। जो मिनी प्लांट वगैरह वो सारे यहाँ पे रखे हैं हमने। और ये पेड़ जो हम लोग कह रहे थे खत्म हो गया, लेकिन ये देखिए आप नए इसके अंदर रूट्स आए हुए हैं, नए इसके अंदर कल्ले निकले हुए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये पेड़ हम लोग सोच रहे थे मर गया, बाकी पानी वानी सब डाल दिया गया है ऊपर। अब नीचे चलेंगे और नमाज वगैरह इशा की पढ़ चुके हैं, अब सोएंगे क्योंकि फजर में उठना भी होता है। और होली की शाम है ये, आप देखिए कि एकदम सन्नाटा है क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं अपने घर को, अपने होम टाउन में या अपने जिले में, तो इस वजह से सन्नाटा बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है सब।